नमस्कार दोस्तों, गेट इन टू माइंड के यूट्यूब चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम रेलवे डी ग्रुप की विशेष तैयारी के लिए शुरू की गई रामबाण सीरीज के भाग 5 के अंतर्गत महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों का अवलोकन करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, एक छोटी सी बात, यदि आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिले। हम एजुकेशन और इससे रिलेटेड अपडेट समय समय पर लाते रहेंगे। दोस्तों, यदि आप रेलवे डी ग्रुप की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमने आपके लिए जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस से महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है उनकी एक ई बुक तैयार की है। इसमें लगभग 1500 प्लस वन लाइनर क्वेश्चनों को शामिल किए गए और अन्य जो मोस्ट जो और अदर क्रूशियल इन्फॉर्मेशन है वो भी इंक्लूड की हुई है और लगभग इसके 80 प्लस पेजेज हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके इसे देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन आंसर का सिलसिला शुरू करते हैं। भाग 5 के अंतर्गत प्रथम क्वेश्चन है, स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत कब हुई, यानी भारत में स्पीड पोस्ट सेवा है वो कब शुरू हुई। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 आंसर हो जाएगा डी, 1986 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2, शिकारी देवी अभयारण्य किस राज्य में है, यानी शिकारी देवी अभयारण्य है वो किस राज्य में है। अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, आंसर हो जाएगा बी, हिमाचल प्रदेश में। शिकारी देवी अभयारण्य हिमाचल प्रदेश राज्य में है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3, चाऊ किस राज्य का लोक नृत्य है, चाऊ है वो किस राज्य का लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 3, आंसर हो जाएगा सी, उड़ीसा का, चाऊ उड़ीसा राज्य का लोक नृत्य है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4, भारत में पहले नगर निगम जो मद्रास था उसकी स्थापना कब हुई थी, यानी क्वेश्चन ये, भारत में पहले नगर निगम मद्रास की स्थापना कब हुई थी। क्वेश्चन नंबर 4, सही आंसर होगा सी, 1687 ईस्वी में। भारत में पहले नगर निगम की स्थापना 1687 ईस्वी में हुई थी। कौन सा नगर निगम था पहला, मद्रास। अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5, मूल कर्तव्य का संबंध संविधान के किस अनुच्छेद से है, यानी मूल कर्तव्यों का उल्लेख है उस संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 सरल क्वेश्चन है, आंसर होगा बी, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 51 में, संविधान के अनुच्छेद 51 में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6, भांगड़ा नागल बांध बना था, यानी भांगड़ा नागल बांध है वो कब बना था। क्वेश्चन ये है कि भांगड़ा नागल बांध कब बना था। क्वेश्चन नंबर 6 सरल क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा ए, 1963 ईस्वी में, यानी भांगड़ा नागल बांध है वो 1963 ईस्वी में बना था। अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रीय विधि दिवस कब मनाया जाता है, यानी राष्ट्रीय विधि दिवस है वो निम्न जो चार ऑप्शन है इनमें से कब मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 सही आंसर होगा सी, 26 नवंबर को। विधि दिवस को संविधान दिवस भी बोलते हैं। यदि यही क्वेश्चन इस प्रकार आए कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है तब भी आंसर 26 नवंबर ही होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8, तेनालीराम किनके दरबार में रहते थे, या तेनालीराम वो किसके दरबारी थे। क्वेश्चन नंबर 8 सही आंसर होगा बी, कृष्णदेव राय के दरबार में, यानी तेनालीराम कृष्णदेव राय के दरबारी थे। अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9, वाटर पोलो के एक पक्ष में खिलाड़ी होते हैं, यानी वाटर पोलो के एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या। अच्छा क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा बी, 7, यानी वाटर पोलो के एक पक्ष में 7 खिलाड़ी होते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10, धौली गंगा जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है, धौली गंगा जल विद्युत परियोजना है वो किस राज्य में है। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा डी, उत्तर प्रदेश में। धौली गंगा जल विद्युत परियोजना
उत्तर प्रदेश राज्य में है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 11, राजनीति के उस पार निम्न में से किसकी रचना है, यानी राजनीति के उस पार जो पुस्तक है उसके रचयिता कौन है। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा सी अटल बिहारी वाजपेयी, राजनीति के उस पार पुस्तक के लेखक। अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 12 है, रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है, यानी रोवर्स कप है वो किस खेल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 12 है, सही आंसर हो जाएगा सी फुटबॉल से, रोवर्स कप का संबंध है वो फुटबॉल से। अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 13, किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है, सरल क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, क्लास 5-6 में आने वाला क्वेश्चन है, किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। अच्छा क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा डी गुजरात की, यानी गुजरात राज्य की तटरेखा है वो सबसे लंबी है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 14, सिस्सा का सिक्का किस वंश के शासक ने चलाए थे, क्वेश्चन नंबर 14, अच्छा क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा सातवाहन, यानी सातवाहन वंश के शासकों ने सर्वप्रथम शिष्य के सिक्के वो चलाए थे। क्वेश्चन आए कि सातवाहन वंश की स्थापना किसने की, तो आंसर होगा सिमुक ने। अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 15, मराठा साम्राज्य में चौथ एक प्रकार का यानी एक प्रकार का क्या था, क्वेश्चन ये है कि मराठा साम्राज्य में चौथ एक प्रकार का था क्या था, हथियार था, एक कर था, एक दंड था, या एक मंत्री का मतलब पद होता था चौथ, तो क्वेश्चन नंबर 15 सही आंसर हो जाएगा एक कर था, मराठा साम्राज्य में चौथ है वो एक कर था। साथ में ध्यान रखें चौथ के साथ वो एक और कर लगाते थे सरदेशमुखी, यानी मराठा साम्राज्य में दो मुख्य रूप से कर लागू थे, चौथ और सरदेशमुखी। अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 16, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, सरल क्वेश्चन है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, आंसर हो जाएगा सी कोसी नदी को, बिहार का शोक है वो कोसी नदी को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 17, चाय की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी उपयुक्त होती है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चाय की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी है वो उपयुक्त होती है, किस प्रकार की मिट्टी है और लाभदायक होती है, क्वेश्चन नंबर 17 सही आंसर होगा सी लेटेराइट मिट्टी, यानी चाय की खेती के लिए मिट्टी है वो लेटेराइट मिट्टी उपयुक्त होती है। यदि काली मिट्टी की बात हो तो काली मिट्टी कपास के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 18, त्रिपिटक किस धर्म की प्रसिद्ध पुस्तक है, त्रिपिटक है वो किस धर्म की प्रसिद्ध पुस्तक है, किस धर्म का त्रिपिटक है वो प्रसिद्ध ग्रंथ है। अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, सही आंसर होगा डी बौद्ध धर्म का, यानी त्रिपिटक है वो बौद्ध धर्म की प्रसिद्ध पुस्तक है, प्रसिद्ध ग्रंथ है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 19, भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य है, यानी भारत के जो निम्न चार ऑप्शन है इनमें से सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 19 सही आंसर होगा सी सिक्किम, यानी भारत के 29 राज्यों में सिक्किम की जो आबादी है वो सबसे कम है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो जनरल अवेयरनेस का अंतिम क्वेश्चन, राजाराम मोहन राय द्वारा हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 ईस्वी में की गई थी, पर कहाँ की गई थी ये निम्न चार में से बताना है, क्वेश्चन नंबर 20 सही आंसर होगा बी कोलकाता में, यानी राजा राममोहन राय ने हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 ईस्वी में कोलकाता में की थी। अगले क्वेश्चन की बात करें तो जनरल साइंस का प्रथम क्वेश्चन, टाइफाइड रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, यानी टाइफाइड है रोग में रोगी के शरीर का कौन सा अंग है वो प्रभावित होता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आंसर होगा आंत, यानी टाइफाइड रोग से शरीर का आंत अंग है वो प्रभावित होता है। यदि क्वेश्चन आए कि टाइफाइड किससे होता है तो आंसर होगा बैक्टीरिया से। अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2, पानी में हवा के बुलबुले हैं वो किस कारण चमकते हैं, यानी पानी में हवा के बुलबुले चमकते हैं ये घटना निम्न जो चार ऑप्शन है इनमें से किन के कारण घटित होती है,
क्वेश्चन नंबर टू, अच्छा क्वेश्चन है, आंसर होगा बी TIR, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण पानी में हवा के बुलबुले वो चमकते हुए दिखाई देते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर थ्री, मशरूम में बहुतायत में मिलता है, यानी मशरूम में है वो अधिकतम, निम्न चार ऑप्शन में से कौन सा पोषक तत्व है अधिकतम मात्रा में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर थ्री, अच्छा क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा बी प्रोटीन, मशरूम में प्रोटीन है वो बहुतायत में मिलता है। साथ में ध्यान रखें सोयाबीन में भी प्रोटीन बहुतायत में मिलता है, लगभग 42-43% तक है वो सोयाबीन में प्रोटीन पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर फोर, मेघ धनुष में नारंगी और हरे के बीच कौन सा रंग होता है, यानी मेघ धनुष में नारंगी और हरे के बीच में जो रंग होता है वो निम्न चार में से कौन सा है। अच्छा क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा सी पीला रंग, यानी जो रेनबो होती है उसमें नारंगी और हरे के बीच पीला रंग होता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर फाइव, विद्युत मोटर के यानी जो जो एसी करंट के लिए विद्युत मोटर होती है उसके आविष्कारक कौन थे। क्वेश्चन नंबर फाइव, अच्छा क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा ए निकोला टेस्ला, यानी विद्युत मोटर जो एसी के लिए होती है उसके आविष्कारक निकोला टेस्ला थे। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को शामिल किया गया आज, आप इन्हें वो अच्छे से देखिए। क्वेश्चन नंबर सिक्स, शरीर का संतुलन बनाए रखने में कौन सहायता करता है, यानी जो निम्न चार ऑप्शन है हाथ पैर आँख या इनमें से कोई नहीं, शरीर का संतुलन बनाए रखने में कौन सहायता करता है। अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्स, आंसर हो जाएगा बी आँख, शरीर का संतुलन बनाए रखने में आँख है वो सहायता करता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर सेवन, निम्न में से कौन सी एक है वो विद्युत चुंबकीय तरंग है, यानी निम्न चार ऑप्शन है इनमें से कौन सी एक विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर सेवन, अच्छा क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा सी एक्स किरण, यानी जो एक्स किरण है वो विद्युत चुंबकीय तरंग है। साथ में ध्यान रखें एक्स किरण की खोज डब्ल्यू के रोंजन ने की थी। यदि क्वेश्चन है कि एक्स किरणों की खोज किन्होंने की थी तो आंसर होगा डब्ल्यू के रोंजन ने। अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर एट, बैक्टीरिया जो दलहनी पौधों की जड़ में रहते हैं, यानी कौन सा बैक्टीरिया है वो दलहनी पौधों की जड़ में रहता है। अच्छा क्वेश्चन है, साथ ही सरल क्वेश्चन भी है, आंसर हो जाएगा बी राइजोबियम, यानी जो राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं वो दलहनी पौधों की जड़ों में रहते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर नाइन, पार्स एक मात्रक है, सरल क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नाइन, आंसर हो जाएगा दूरी का। साथ में ध्यान रखें पार्स एक दूरी का सबसे बड़ा मात्रक भी है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर टेन, निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, यानी निम्न में से जो चार ऑप्शन है इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस में शामिल नहीं है, कौन सी गैस है वो पृथ्वी का ताप बढ़ाने में शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर टेन, सही आंसर हो जाएगा डी ऑर्गन, यानी परमाणु क्रमांक 18 वाली अक्रिय गैस ऑर्गन है वो ग्रीन हाउस गैस में शामिल नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 11, दो समतल दर्पण को है 90 डिग्री कोण पे रखा गया है और उनके मध्य एक मोमबत्ती जल रही है, या यदि यह है कि उनके मध्य एक कोई वस्तु रखी हुई है तो दर्पण में मोमबत्ती या उस वस्तु के कितने प्रतिबिंब है वो दिखाई देंगे। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दो समतल दर्पण को 90 डिग्री एंगल पर रखा गया है और उनके मध्य एक मोमबत्ती जल रही है या कोई वस्तु रखी हुई है तो दर्पण में उस मोमबत्ती या उस ऑब्जेक्ट के उस वस्तु के कितने प्रतिबिंब है वो दिखाई देंगे। क्वेश्चन नंबर 11 अच्छा क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा सी 3, समतल दर्पण में वो उस प्रतिबिंब 3 प्रतिबिंब है वो दिखाई देंगे। अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 12 है, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई है वो किस से मापी जाती है, यानी कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई है वो मापने का जो मापक है जो मात्रक है वो निम्न में से कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 12 है, आंसर हो जाएगा डी बिट्स, यानी कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई है
वो बिट्स में मापी जाती है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से कौन कोलाइड नहीं है, यानी निम्न में से कौन है कोलाइड का उदाहरण नहीं है। अच्छा क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा ए दूध, यानी दूध है वो कोलाइड का उदाहरण नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से किस एक का अधिकतम ईंधन मान होता है, यानी अधिकतम जो ईंधन कौन सा ईंधन है वो अधिकतम ऊष्मा प्रदान करता है ना, क्वेश्चन नंबर 14। अच्छा क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा ए हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का ईंधन मान है वो बहुत ज़्यादा होता है इनकी तुलना में। क्वेश्चन नंबर 15, गर्भवती स्त्रियों में प्राय किस चीज़ की या किस तत्व की कमी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 15, अच्छा क्वेश्चन है, गर्भवती स्त्रियों में प्राय किस तत्व की किस चीज़ की वो कमी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर होगा सी कैल्शियम और आयरन। अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 16, टीनिया सोलियम यानी जो फीताकर्मी होता है वो परजीवी के रूप में रहता है, यानी परजीवी के रूप में वो कहाँ रहता है। टीनिया सोलियम जो फीताकर्मी होता है वो परजीवी के रूप में रहता है। ए बी सी डी में से सही आंसर देखना है क्वेश्चन नंबर 16। अच्छा क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा सी, यानी महिला या पुरुष की जो आंत होती है उसमें रहता है परजीवी के रूप में टीनिया सोलियम। अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सा तत्व है वो रेडियो एक्टिव नहीं है, यानी कौन सा तत्व है वो रेडियो एक्टिव किरणें है वो उत्सर्जन नहीं करता है, यानी एक तरह से कहे तो कौन सा तत्व है वो अस्थायी तत्व नहीं है, यानी एक स्थायी तत्व में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 17, अच्छा क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा डी जर्कोनियम है वो रेडियो एक्टिव नहीं है, बाकी यूरेनियम थोरियम और प्लूटोनियम तीनों रेडियो एक्टिव जो तत्व है उनमें शामिल है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 18, ध्रुवों में ऊष्मा का सर्वश्रेष्ठ चालक है, यानी पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती है ठोस द्रव और गैस, उनमें द्रव जो स्टेट है उस द्रव स्टेट में रहते हुए ऊष्मा का सर्वश्रेष्ठ चालक कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 18, सही आंसर हो जाएगा बी पारा। यदि पारे के साथ कोई धातु या कोई अन्य कोई भी तत्व मिला के मिश्रण बनाया जाए तो वो अमलगम कहलाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सा है वो ऊर्जा का मात्रक नहीं है, यानी जो निम्न ऑप्शन दिए गए हैं चार, इनमें से कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19, सही आंसर हो जाएगा डी वाट, यानी वाट है वो शक्ति का मात्रक है ऊर्जा का मात्रक नहीं है, बाकी तीन जो जूल अर्ग और इलेक्ट्रॉन वोल्ट तीनों ऊर्जा के मात्रक है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सा एक रोग विषाणु जनित नहीं है, यानी चार रोग ऑप्शन दिए गए हैं चारों में कौन सा एक रोग है वो विषाणु से नहीं फैलता है। क्वेश्चन नंबर 20, अच्छा क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा डी न्यूमोनिया, यानी न्यूमोनिया है वो एक विषाणु जनित रोग नहीं है, बाकी तीनों एड्स हेपेटाइटिस और चिकन पॉक्स तीनों है वो विषाणु जनित रोग के उदाहरण है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 21, बीज रहित फल के विकास को क्या कहते हैं, यानी बीज रहित फल का विकास है वो क्या कहलाता है। अच्छा क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा बी पार्थिनोकोर्पी, है ना, कि बीज रहित फल के विकास को क्या कहते हैं, आंसर हो जाएगा बी पार्थिनोकोर्पी। अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 22, पाइपा को घोंगा भी बोलते हैं, निम्न में से किस वर्ग का जंतु है, यानी चार ऑप्शन है एनिलिडा ऑर्थोपोडा मोलस्का और सिलेंट्रेटा, इनमें से घोंगा है वो किस वर्ग का जंतु है, आंसर होगा सी मोलस्का, यानी जो घोंगा पाइपा है मोलस्का वर्ग का जंतु है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 23, हुक का सिद्धांत या हुक का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, यानी हुक ने अपना जो नियम दिया था वो निम्न से किससे रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 23, अच्छा क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा बी प्रत्यास्थता से, यानी जो हुक का नियम है वो प्रत्यास्थता से रिलेटेड है। साथ में ध्यान रहे, प्रत्यास्थता का मतलब होता है जब हम किसी वस्तु पे बल लगाते हैं, जब तक बल उस वस्तु पे रहता है तब तो वो है वो बल को महसूस करती है, और जैसे ही हम बल
है उस वस्तु से हटा लेते हैं तो पुनः वह अपनी वर्तमान जो स्टेट है, वर्तमान जो अवस्था है उसमें आ जाती है। किसी पदार्थ का यही गुण प्रत्यास्थता कहलाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 24, अच्छा क्वेश्चन है। स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पे कार्य करता है? यानी जो डॉक्टर स्टेथोस्कोप उपकरण का जिस उपकरण का यूज करते हैं वो ध्वनि के किस सिद्धांत पे कार्य करता है? क्वेश्चन नंबर 24 आंसर हो जाएगा ए, परावर्तन के। यानी स्टेथोस्कोप ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पे कार्य करता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 25, 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान निम्न में से किसके बराबर होता है? यानी 1 किलो कैलोरी ऊष्मा है वो किसके तुल्य होती है? क्वेश्चन नंबर 25 आंसर होगा 4.2 × 10³ जूल। यानी 1 किलो कैलोरी ऊष्मा है वो 4.2 × 10³ जूल के इक्वल होती है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 26, मानव आँख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? यानी जो हमारी आँख पे रेटिना पे जो प्रतिबिंब बनता है वो प्रकृति में कैसा होता है? वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और सीधा, या आभासी और उल्टा, या आभासी और सीधा? क्वेश्चन नंबर 26 आंसर होगा ए, वास्तविक और उल्टा। यानी मानव आँख की रेटिना पे जो प्रतिबिंब बनता है वो प्रकृति में वास्तविक और उल्टा होता है। अगले क्वेश्चन की बात करिए तो क्वेश्चन नंबर 27, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कहलाती है, अच्छा क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति है वो क्या कहलाती है? क्वेश्चन नंबर 27 आंसर हो जाएगा ए, ऑक्सीकरण। यानी इलेक्ट्रॉन का त्यागना ऑक्सीकरण कहलाता है, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना अवकरण कहलाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 28, विलेमाइट किस धातु का अयस्क है? यानी विलेमाइट अयस्क है वो निम्न चार ऑप्शन में से किस धातु का है? ए, लोहा, बी, तांबा, सी, एल्यूमिनियम, डी, जस्ता। क्वेश्चन नंबर 28 आंसर होगा डी, जस्ते का। यानी जो विलेमाइट है वो जस्ते का अयस्क है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो धुआं उदाहरण है, यानी धुआं है वो जो निम्न चार ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से किन का उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर 29, अच्छा क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा सी, ठोस का गैस में विलयन है। यानी धुआं है वो ठोस का गैस में विलयन है। भाग पाँच का अंतिम क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 30, पत्तेदार सब्जियों में सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व है? यानी पत्तेदार सब्जियां होती है उनमें सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? अच्छा क्वेश्चन है, सरल क्वेश्चनों में शामिल है। आंसर हो जाएगा सी, लोहा। यानी जिसका प्रतीक Fe होता है, लोहा होता है, वो पत्तेदार सब्जियों में सबसे अधिक पाया जाता है और विशेष तौर पर पालक में। यानी जो पालक होता है उसमें लोहा है वो बहुत अधिक मात्रा में होता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपने इस क्वेश्चन सीरीज को एंजॉय किया, और मेरा मानना है आपको इस विशेष सेशन से जो शायद फ़ायदा हो रहा है। बार बार कहने पर भी आप लोग अपना जो फीडबैक है वो साझा नहीं कर रहे हैं। मैं एक बार पुनः आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस क्वेश्चन सीरीज को किस प्रकार देख रहे हैं, चाहे वो क्वेश्चन लेवल की बात हो या कोई अन्य तरीके से आप इस क्वेश्चन सीरीज को किस प्रकार आंकते हैं, अपना फीडबैक क्या है वो हमारे साथ ज़रूर साझा करें। आप आगे भी और यदि किसी प्रकार का कोई विशेष सेशन चाहते हैं तो हमें आप है वो ईमेल या कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। धन्यवाद।